जो बेबी होगा वो रूपाली पे जाना चाहिए या मेरे पे, प्रैक्टिकली सोच कर बोलना है तेरे पे। अच्छा भाभी एक बात बताओ, जो बेबी होगा उसका आपको क्या लगता है, वो रूपाली के ऊपर जाना चाहिए या मेरे ऊपर? गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। वाली अपनी तरफ कर लेना, एक प्यारा चेहरा दिखा। अरे ये अभी जा रहा है डॉक्टर के पास और अपना पासपोर्ट लेने। और रूपाली को इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा सा वो यार थोड़ा डिप्रेसिंग सा रहता है कि हर लोग बीमार होते हैं और थोड़ा इस वक्त वो इन्फेक्शन वगैरह का भी सीन होता तो वैसे भी डिप्रेसिंग सा होता है और माइंड थोड़ा अच्छा ही रहना चाहिए। मुझे भी जाना था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरे को काफी सारे काम है तो मुझे अपना पासपोर्ट लेकर आना है एक, क्योंकि वो अटक गया पता नहीं, फिर मुझे मेरी बैक में जो पेन हो रहा है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक करा कर आना है, फिर मैं आऊंगा लेट, फिर मुझे ऑफिस का काम करना है। और गाइस इसको कल मन कर था बैंगन खाने का तो आज रूपाली ने बैंगन बनाए और उसने लिए ही नहीं, वो इतना टेस्ट लिए ही नहीं, मतलब दिखाया। अच्छा क्लिप नहीं दिया मुझे लगा खाने की, लोहे वाली कढ़ाई में काले से बहुत से। तो तू बना लेती रूपाली? मैं तो लेट उठा, मैं तो काम कर रही थी ना, थक गई थी थोड़ा सा। जा रे जल्दी जा, फिर से आज नहीं मिलेगा डॉक्टर, दो बार तो मिले नहीं, दो बार हो गया कि मुझे डॉक्टर ही नहीं मिला। चलो रूपाली मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी आता हूँ, ठीक है? क्लिप लेते रहना, भूलना मत तू एक ब्लॉगर है। ओके मिलता थोड़ी देर में। आज का तो दिन ही थोड़ा बेकार था, पहले पासपोर्ट के ले गया, पासपोर्ट का नहीं हुआ, कल जाना पड़ेगा, फिर डॉक्टर के पास गया, मतलब ठीक है ट्रीटमेंट हो गया बट प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला, देखता हूँ क्या करते हैं, अभी तो फिलहाल घर जा रहा हूँ डायरेक्ट। तो गाइज मैं बोलती थी ना कि एक इमली का डब्बा ला के पूरा ये खाता था, इसने मुझे ये कौन खा रहा है ये और बाद में तेरे कसम है रूपाली, तेरे कसम है, सच सच बताइयो ये निकाला तूने ही डब्बा? भाई भगवान कसम मैंने एक पीस खाया और हाँ, देखा तो डब्बा ले लिया किसी ने, मैंने इसको ये कहा कि ये अभी खाना ठीक नहीं है और इसको मत खा, तो मैंने अपने लिए चार निकाल लिए। चार गाइस बस चार ही है, बिल्कुल हंस क्यों रहा है, बोल तो नहीं है उसको ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मसाले वाली चीज तेरी अच्छी नहीं है, अभी ये मसाला नमकीन है। अरे रे रे, अरे अरे अरे, तेरे लिए भी सही नहीं है, ले वापस डाल दो। यार बंद कर दे रूपाली, क्या बन रहा है इस खाने में? पनीर। क्या बन रहा है? पालक पनीर। पालक अलग और पनीर अलग, जैसा तू खाना चाहे। यार मेरे लिए तो प्याज मटर की चटनी बना देना, मेरे से वही तड़का, सही सस्ते और सिंपल वर्डों में तड़का। मतलब तू पालक पनीर नहीं खाना चाहता? मेरे को मन नहीं कर रहा यार पालक पनीर खाने का, सच पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता वो, अभी पता नहीं क्यों पालक पनीर अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता, तुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना, आपको भी भाभी? मुझे पालक अच्छा लगता है, इमली की चटनी के साथ अच्छा, इमली चटनी बनाई, इमली की चटनी भी तो बनाई थी रूपाली तेरा दिमाग। अच्छा भाभी एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो जो बेबी होगा उसका आपको क्या लगता है, वो रूपाली के ऊपर जाना चाहिए या मेरे ऊपर? रूपाली के ऊपर ही जाएगा। क्यों नहीं, मतलब ठीक है, मतलब जाएगा अच्छी बात है, पर जाना किसके ऊपर चाहिए? चाहिए मेरे ऊपर या इसके ऊपर? मतलब मेरी शार्पनेस, मेरे क्लेवरनेस, मेरी क्लेवरनेस सब कुछ देखते हुए, डरपोक तेरी तरह हट, मतलब एक डरपोक वाला फैक्टर हटा दो भाभी, मतलब अच्छा हर चीज को कंसीडर करो ना भाई, वो तो जाएगा ही तेरे ऊपर भी थोड़ा पूरा, जाना किसके ऊपर चाहिए, जाना किसके, बोलो तो थोड़ा दोनों के ऊपर जाना यार। एक तो भाभी, एक तो ना लड़कियों से सवाल पूछना बहुत मुश्किल है यार, भाभी इस टाइम में भाभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइम में लड़कियों की बात कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। मैं बताती हूँ, तेरे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज है और जो उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज, दोनों का मैशअप, और फिर भी चलो 100 से 60-40 कर दो, 50-50 बस, ये सेफ जोन, दोनों की अच्छी अच्छी, भाभी तो सेफ खेलेगी, पर भाभी ने पहले क्लियर ही बोल दिया रूपाली जैसा, जबकि देखा जाए तो स्मार्टनेस मेरी जानी चाहिए, इंटेलिजेंस मेरी जानी चाहिए और क्लेवरनेस मेरी जानी चाहिए, शार्पनेस मेरी जानी चाहिए। फिर कमेंट आया तो था, फिर वो लड़कियों को देख के टेडी स्माइल कर गया।
भाभी ये इस बात की भाभी का है। मैं बात भाभी आप बताओ कितना शरीफ घूमता है यार बाहर में, मुझे बदनाम कर रहा है यार। मुझे क्या पता, मेरे सामने तो चल शरीफ ही है। आपके सामने जब भी आपने कहीं भी मुझे देखा मैं कुछ हरकतें करता हूँ क्या? होगा फैमिली के सामने कौन ऐसे घूमता है? वैसे अंकित शरीफ तो बहुत है, आते जाते बंदे अंकित को यूं करते चले जाते। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, एक बंदा आया दारू पी होगी उसने, मैं गाड़ी लेके चैन जाता करता। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्यों कर गया मुझे? मैंने भेजा था क्योंकि तू ये मुझे करता है ना हमेशा। मैं जबकि भाभी करता है उसने मुझे पता नहीं क्यों करा और चला गया चुपचाप। मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा अभी तो सिर्फ यही कर रहा है, बाद में पता लगेगा। पर भाभी आपने जो भी कहा मेरा दिल टूट गया उससे, आपने जो भी कहा ना डरपोक ये सब। अच्छा भाभी वैसे आपको रूपाली इंटेलिजेंट लगती है? मैं सिंपल सॉर्टेड आंसर देना। ओ वो लगता भाभी के पर निकल आए हैं, पर काटने पड़ेंगे। अभी अनु को आने दो, अभी अनु को बताता हूँ कि भाभी मेरे बारे में क्या बोल रही है। कोई नहीं, अनु के बारे में भी बोल रही है। यार ये तो भाभी, चलो यार मैं जाता ही हूँ, अभी चलो अभी चलते हैं। ये तो आज ये तो ला भी देंगे। यार ये व्लॉग देख लिए बच्चे ने तो शुक्र है। जबकि देखा जाए ना तो हर कायदे से मैं ही होना चाहिए, मतलब रूपाली होनी चाहिए ठीक है, हर चीज में भी वो भी होनी चाहिए, बट इंटेलिजेंस तो मेरी ऐसी ही होनी चाहिए। मेरा कुछ नहीं, तेरा भी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे कि खाना बनाना तेरी तरह आना चाहिए, खाना अच्छा ना तेरे वाली, तो ये ठीक है ना, वो तो स्किल्स है ना, भाई तो। मैं चला अपना काम करने, ये तो पीछे बढ़ गए। भाभी बंदा नहीं हो आप, बंदी हो, पहले ये चीज मानो आप बंदी हो एक। आगे बंदे यार चलो यार चलते हैं, बड़े मजेदार। गलत बंदे से क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, पापा को ऊपर मधुमक्खियों ने काट लिया, पापा उनका छत्ता तोड़ रहे हैं, देखो कैसे चौके छक्के मार रहे हैं। पापा के हाथ में काट दिया दो तीन मधुमक्खियों ने, फर्क नहीं पड़ रहा, वहीं खड़े हुए हैं अभी भी लगे हुए हैं, वही तो अभी तो पापा हटेंगे नहीं जब तक वहां से हट नहीं जाएगी सारी मधुमक्खियां। देख बैट लेके खड़े हुए ये दो तीन रहेगी बस, फिर जैसी बार आएगी मतलब कि चौका चक्का मार दूं। अब बात ऐसी है कि अभी भी हंस रही है ये, अब रोनी भी आ गया यहाँ पर, रोनी से पूछते हैं, रोनी तुझे क्या लगता है कि जो बेबी होगा वो रूपाली पे जाना चाहिए या मेरे पे? प्रैक्टिकली सोच कर बोलना है तेरे। इसमें क्या भाई, एक हेडिया टेल में से तो भाभी एक ना बुरा मान नहीं क्या बात है, पर क्यों हेडिया टेल ही होता भाभी, तो उस पे फिर हेडी क्यों किया, टेल भी कर सकते, ये क्या बात होती है पर यार? क्यों बच्चा सुंदर भी तो दिखना चाहिए ना। सिर्फ दिमाग से क्या करेंगे भाभी, आपको क्या तो दिमाग जाएगा, ब्रेनी बच्चे हमें नहीं चाहिए, हमें नलायक चाहिए, सुंदर चाहिए भैया मेरे। कल से तुझे भूखा रहना है, आपकी तो तारीफ हुई है ना, इसमें क्या तारीफ हुई है? दिमागदार होता मतलब तो आपके से नहीं अच्छी लग रही है यार मेरे हिसाब से, रोनी दिमाग, मैंने तो यही बोला था मैं जानी चाहिए कुछ चीजें, पर दिमाग हो गया, सूरत शक्ल वो मेरे पे जानी चाहिए। दिमाग तो तेरे में भी कमी है बट शक्ल देखो, दिमाग कम है, घर में सबसे ज्यादा परसेंट मेरे आते थे, सबसे दिमागदार मैं, रिलेटेड ही नहीं बोलते उसको। आज के बच्चे 10 जीबी लेके बैठे हुए, बाहर जाओ तो उनसे पहले ना सब्जी वाला कैलकुलेट कर देता पापा के आगे। ये भी बना है बच्चा, 24 रुपए हो गए जी, वो सिर्फ यही करता रह जाता, 10 जीबी वाला फोन निकाल रहा पापा ने बेल्ट तैयार कर दी।
यार पर परसेंट मेरे आते थे सारे टीचर्स वगैरह मेरे को बोलते थे रोनी जलता है साला मेरे मेरी जैसे ही होना चाहिए रोनी तेरे पे जाना चाहिए यार फिर क्योंकि तेरे पे गया तो फिर मतलब कहीं ना कहीं फिर अनु पापा मम्मी हम सब जैसा हो जाएगा ना और हम तो फिर ठहरे ही फिर एक नंबर लोग उसको मुझे डर गया भाभी कह रही कल आदू खाना चश्मे वाला तो मुझे नहीं चाहिए ना चश्मे लगा के घूम रहे लड़ाई पर उतर आई इसलिए क्या बोला फिर मुझे नहीं देखी ना हॉटस्टार पर आ गई है देखनी है तो देख ले सब्सक्रिप्शन मेरा पड़ा देख रहे सब देख लो गरीबों एक ही खरीद के सारे इधर उधर दे रहे होते हैं मैं देखू तो अंकित का बंदा जाता है अंकित देख के बंदा जाता है भाई नेटफ्लिक्स में तो यही हो रहा है मैं चलाता हूँ मुझे देख के आई हूँ मैं कैसी है बढ़िया है ठीक है मैं देखता ना जब भी नेटफ्लिक्स तो कोई ना कोई मेरे सब्सक्रिप्शन में कोई और देख रहा है और नेटफ्लिक्स की इतनी गंदी बात है ना अगर मेन ओनर आ गया है तो बाकियों का ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए और मेरा चलना चाहिए बट वो फिर भी देखे बोले कोई और देख रहा है रिट्राई कर मैं कहा ये तो नेटफ्लिक्स से गंदा करा हुआ चलो सही यार चल सोने चला जा अब जो जाना तुझे देखो बच्चे के भविष्य को मैं प्राथमिकता देना चाहता हूँ आपका मेरे प्रति जो मोह है मैं उसको थोड़ा साइड रखना चाहता हूँ देवर का भाभी के प्रति जो प्यार है उसमें तो मेरे को भाभी का नाम लेना चाहिए था लेकिन मैं बच्चे के भविष्य को देख रहा हूँ भविष्य इम्पोर्टेंट है भाई भविष्य इम्पोर्टेंट क्योंकि भविष्य नर निर्माण अच्छा लग रहा है तुझे क्योंकि उसमें ना बमोला परिवार के मम्मी पापा फिर शुरू हो गया थोड़ा तो जाना चाहिए थोड़ा सा तो जाए थोड़ा तो बनता ही है मारना भी तो है शक्ल देख के ना भाभी मोमो जैसे यार देखिए यार इसको अरे मैंने क्या बोला मैं वैसे बोल रहा साले यहाँ तक आवाज आ गई थी भाभी शक्ल मोमो जैसी क्या होता है मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब आप खुद ही देखोगे आपको साले हर इतना याद रखिए हर बंदा उसको साई पल्लवी बोल के जाता है हाँ। पल्लवी गलत बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बिना मेकअप वाली हीरोइन है हाँ साई पल्लवी ठीक है यार अब तो मेरे चेंज अच्छा दिखा रहे मैं थप्पड़ मारूंगी अब तो चेंज ही होएगा ना मेरा थोड़े हाँ भाभी की आईब्रोज जैसी है आईब्रो तो मिली हुई है वो ही नहीं है बस उस जैसी नहीं वैसे सब बोलते हैं मेजोरिटी क्या 90% लोग बोलते हैं कि साइबर लिए जस्टिन बोलते हैं ये नहीं मान रहा ये नहीं मान ये नहीं माने यार वाली यार मुझे सोने दो यार चल तू भी जा सोने तू भी सो जा यार सारे सो जा तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर गाइस रुक जा दो मिनट मुझे एक बात करनी थी तो गाइस तुम भी बताओ कि जैसा होएगा कमेंट सेक्शन में बता देना इस पर जाना चाहिए या मुझ पर जाना चाहिए मतलब क्वालिटीज किसकी होनी चाहिए रूपाली की ज्यादा बेटर क्वालिटीज है या मेरी किसकी क्वालिटीज आनी चाहिए क्वालिटीज क्या क्वालिटीज की तो बात कर रहे हैं दिखना भी किसकी तरह चाहिए और किसकी तरह होना चाहिए पूरा का पूरा ठीक है हां बता देना कमेंट सेक्शन में हां सभी बताना जो भी कमेंट करेगा सभी बताना रूपाली जैसा वो खुद बता देंगे तो चलो इस व्लॉग में ध्यान करते हैं चलो इस व्लॉग में ध्यान करते हैं तुम भी तो देखोगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भी दिखेगा तब तक के लिए बाय सिर्फ दो शक्लें इतनी कैसे झेल पाओगे टेक केयर बाय बाय